दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बिजली का बिल का अकाउंट नंबर पता करना चाहते हैं कि अब हमारा कौन सा अकाउंट नंबर हो चुका है। जैसे फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग पहले ही अपना अकाउंट नंबर और कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक कर देते थे तो वहां पर हमारा पूरा डिटेल आ जाता था कि कितना बिल आया है। लेकिन फ्रेंड, अब बिजली बिल का जो अकाउंट नंबर है वो बदल चुका है। तो अब मान लो अगर आप अपने बिजली बिल का अकाउंट नंबर पुराना वाला डालेंगे तो यहाँ पर आपका बिल नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड, आप अपने पुराने वाले अकाउंट नंबर से आप नया अकाउंट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, चलिए मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, नया वाला अकाउंट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको uppcl.org वेबसाइट पे आ जाना होगा। और आने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं लिख रहा है कि नो योर न्यू अकाउंट नंबर फॉर रूरल एरिया, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंट लिखा है, इस पे आपको क्लिक करके और यहाँ पे आपको अपना जो विद्युत वितरण है वो उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण, मध्यांचल, तो मेरा है पूर्वांचल, पूर्वांचल मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे बोल रहा है ओल्ड अकाउंट नंबर, तो आपका जो पहले वाला अकाउंट नंबर था उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं 4+8 यहाँ पे 12 आपको लिख देना होगा। और उसके बाद व्यू पर क्लिक कर देना होगा। व्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका जो नया वाला अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे अब आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन नेम, तो और उसके बाद यहाँ पे जिसके नाम से कनेक्शन रहेगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड इस अकाउंट नंबर को आपको कहीं पे नोट कर लेना होगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने ओल्ड वाला अकाउंट नंबर को डाल करके और अपना नया अकाउंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं और इस अकाउंट नंबर से आप अपना बिजली का बिल चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।